तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सौम्या आप लोग के साथ फिर से एक अपना नया व्लॉग वीडियो लेकर आई हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो गाइज आज का मेरा व्लॉग वीडियो है पितृपक्ष के ऊपर। पितृपक्ष में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को बताती हूँ आज के अपने इस व्लॉग वीडियो में, जो भी मुझे पता है गाइज लोग मैं आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर 15 दिन तक गाइज लोग पितरों को पानी दिया जाता है अंजूरी से, जो तिलांजू देते हैं तिल डालकर। घर के बड़े बेटे या छोटी बहू या बड़ी बहू ही घर के मतलब पितरों को पानी दे सकती हैं, तिलांजू दे सकती हैं। तो मेरी मम्मी देती हैं, तो आज मेरे यहाँ बाबन खिलाया जाएगा, दादी अम्मा को अग्यार दिया जाएगा, आज उन लोग की विदाई है। तो चलो मैं आप लोग को घर पर दिखाती हूँ क्या क्या हो रहा है। अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, मम्मी फ़िलहाल अभी नहा ली हैं, किचन मैंने रात को ही क्लीन कर लिया था अच्छे से। और घर पे अभी क्या हो रहा है मैं चल के अंदर आप लोग को दिखाती हूँ। पीछे सारे स्कूल के बच्चे आ चुके हैं, सब लोग स्कूल जा रहे हैं, लड्डू सुबी और भी जो बच्चे आते हैं। और यहाँ देखो आज हमारे घर के पीछे सफाई हुई है काफ़ी गाइस लोग, अभी हो रही थी हो गई। और मेरे छोटे भाई बहन की वैन आ गई, वो लोग जा रहे हैं स्कूल, तो वैन आ गई उन लोगों की। बाय बाय। गाइस अभी हम नहा लिए हैं, नहा के रेडी हो गए हैं और चलो अब किचन में हम जा सकते हैं। चलो आप लोगों को किचन में दिखाते हैं क्या हो रहा है, क्योंकि पूजा हो रहा है तो पंडित लोग खाएंगे, तो किचन में ऐसे बिना नहाए नहीं जा सकते थे, इसी वजह से मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। तो अभी हम नहा लिए हैं, सब लोग नहा लिए हैं, सारा काम हो गया है, मम्मी अभी बस खाना बना रही, क्या क्या बन रहा है चलो आप लोगों को दिखाते हैं। तो मम्मी आज खाने में क्या क्या बन रहा है? आज बन रही है बड़ा बनेगी, दाल भरी पूरी बनेगी और आलू कद्दू की सब्जी बनेगी और खीर बनेगी, सेवई बनेगी, शादी भी पूरी बनेगी, नहीं सेवई नहीं बनेगी, खीर बनेगी, खीर बनेगी। अच्छा आलू कद्दू की सब्जी। तो मम्मी अभी सब बना रही हैं और मम्मी बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हैं गाइस लोग सच में। थाली गिलास सब रेडी कर दिया गया है, बड़ा भी बन गया है, दाल भरी पूरी भी बन रही है और बाकी सब्जी भी बन गया, सारी चीज़ें बन गई है। पंडित लोग आ रहे हैं, बस आ जाएं उन लोग को खिला दिया जाए खाना। तो सब कुछ बन गया है, सारा खाना रेडी हो चुका है और चटाई भी हमने बिछा दी है, सारी चीज़ें व्यवस्था कर ली है, बस पंडित लोग आ जाएं और अम्मा और बाबा के नाम पे अग्यार छोड़ दें, वो लोग उनकी विदाई कर दें अच्छे से, फिर सब लोग खाएँगे पियेंगे, फिर और भी चीज़ें आप लोग को अभी पंडित आ जाएँ फिर दिखाते हैं। हमारे घर पे पंडित जी आ गए हैं, अग्यार छोड़ रहे हैं। अग्या नहीं ना, वही हम डाल दिए, सुलुक जाए चली गई। मम्मी यहाँ छत पे खाना निकाल रही हैं, यहाँ पे छत पे खाना जो निकाल रही हैं ये कौवा खाएगा, सुबह होता है सब लोग कहते हैं कौवा खाना खाता है, तो कई आइटम खा रहा है। अग्यार हो गया है, अब पंडित जी लोग खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद में भी हम लोग भी खाना खाएंगे। पंडित लोग यहाँ पर खाना खा चुके हैं, मम्मी पैर झुके गुरु दक्षिणा दे रही हैं। पंडित लोग को खाना खिलाने के बाद गुरु दक्षिणा जरूर देना चाहिए, तो अभी ये लोग खाना खा के अपने घर जाएंगे। पंडित खा के चले जाए, पंडित आए खाना खा रहे हैं। थाली में देख लो क्या क्या है, अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं इस लोग, पंडित अग्यार करके खा के चले गए हैं। आज लोग पंडित भी अच्छे से आके अम्मा बाबा के नाम से अग्यार निकाल दिए और उन लोग की विदाई कर दिए, और मम्मी ने भी उन लोगों का पैर छू के उन लोग की भी विदाई कर दी। हम लोगों ने भी फाइनली खाना वगैरह खा लिया, बहुत ही टेस्टी था खाना गाइस लोग, सच में बहुत अच्छा खाना मम्मी ने बनाया था। और गाइस लोग मैं यही चाहती हूँ कि अम्मा बाबा भी जहाँ हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, वो लोग भी खुश रहें और हम लोग भी खुश रहें, क्योंकि पहले के लोग ऐसा बोलते हैं कि पितृ लोग अगर खुश रहते हैं
तो घर में भी सुख शांति रहती है, वो लोग भी खुश रह मतलब हम लोग भी खुश रहेंगे हमेशा। तो गाइज आप लोग के यहाँ ये सारी चीज़ें अगर होती हैं पितृपक्ष में तो आप लोग भी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट शेयर करना। तो बाय बाय गाइज, लोग सभी लोगों को और जो लोग नए नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।